यहाँ पर की लोकल मार्केट को एक्चुअली टुर्गुस कहा जाता है। वही अंकल जी की शॉप बग्गास करके जी, बहुत अच्छी है, काफी अच्छा नेचर है इनका, वो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं लिथुआनिया की विल्नियस सिटी से। मैं अभी आई हूं यहां के लोकल मार्केट स्क्वायर में विल्नियस की। चलिए मैं आपको दिखाती हूं, बाकी डिटेल में मैं आपको अंदर चलकर दिखाती हूं कि यहां पे क्या क्या है। यहां पर की लोकल मार्केट को एक्चुअली टुर्गुस कहा जाता है यहां की लोकल लैंग्वेज में। तो यहां पे सारा ही सामान अवेलेबल है, आपके ग्रॉसरी से लेके सब्जी वगैरह हो गई, और बाकी एक नर्सरी वगैरह भी बनी हुई है पेड़ पौधों की। मतलब जो भी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, शूज़ कपड़े सब कुछ यहाँ पर मिलता है। तो मैं आपको यहाँ का पूरा विज़िट करवाऊँगी, चलिए चलते हैं। सो गाइज, एज यू कैन सी वेदर काफ़ी ऑसम है। बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, टेम्परेचर -13 था, उस दिन बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। और ये यहाँ की रिवर है, नरिश रिवर है, यहाँ की फेमस रिवर है ये। ये सिटी के सेंटर से, विल्नियस सिटी के सेंटर से होकर जाती है, और काफ़ी ब्यूटीफुल ये रिवर है। ये यहाँ पे विल्नियस का कार वॉशिंग सेंटर है। यहाँ पर आपकी कार, आपके व्हीकल को कोई भी वॉश नहीं करता, आपको अपना काम खुद करना पड़ता है, खुद आपको अपना व्हीकल वॉश करना पड़ता है। यहाँ पर ये कार वॉशिंग का ये ब्रश है। यहाँ पर ये मल्टीपल ऑप्शन है कार वॉशिंग के, आपको ब्रश, आपको सॉरी सोप से करना है या फिर खाली पानी से करना है, तो मल्टीपल ऑप्शन है, आपको जिससे भी करना आप कर सकते हैं। और ये स्नैप एक ऐप है, इसको आपको अपने मोबाइल पे डाउनलोड करना होता है, देन आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। ये यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल में भी आपको वही फैसिलिटी मिलेगी जो यहाँ के प्राइवेट स्कूल में मिलती है, बट यहाँ पर इंग्लिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। बाकी आपको यहाँ पर फ्री एजुकेशन नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा सा कम आपको फीस पे करनी पड़ती है, बट ये स्कूल भी अच्छे होते हैं। स्लाइडर होता है, ऊपर से इस तरीके से स्लाइड करते हुए बच्चे नीचे आते हैं, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर खेलने का है, वो देखिए बच्चा किस तरीके से खेल रहा है। टॉप में स्लाइडर को रखे, एक पीछे से कोई पुश करता है, स्लाइडर से सीधे नीचे आ जाता है। देखिए काफ़ी बढ़िया लोकेशन में ये बना हुआ है। आज बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी वेदर है। इट्स -15 डिग्री टेम्परेचर हियर। या बहुत ज़्यादा सर्दी है आज। और यहाँ पर ये देखिए, ये पार्क है यहाँ पे, यहाँ भी बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे शूट भी नहीं हो पा रहा, मेरे हाथ इतने ज़्यादा ठंडे हो गए, बहुत मुश्किल से मैं शूट कर रही हूँ। वैसे तो आज धूप निकली है, बट इतनी अच्छी नहीं निकली है, इतनी ज़्यादा नहीं कह सकते कि बहुत सर्दी उससे दूर हो जाएगी, बट हाँ थोड़ा ठीक ठाक अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा,
बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, कितना अच्छा व्यू यहाँ से लग रहा है, वाओ। ये यहाँ पर टुर्गुस के बाहर ही कुछ इस तरीके से मार्केट लगाया हुआ है। ये सब देखकर मुझे अपने दिल्ली लाल किला में मार्केट लगती है ना, वहाँ की याद आ गई। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लोग बेचते हैं खुले में, और ये लोग ना काफ़ी दूर दूर से आते हैं और इस तरीके से अपना सामान सुबह ही ये लोग आ जाते हैं और इस तरीके से अपनी मार्केट अरेंज करके लगाते हैं और चीज़ें बेचते हैं। तो यहाँ पर भी गरीब लोग होते हैं, यहाँ भी गरीबी होती है, ये कहना नहीं है कि हाँ जी फॉरेन है वहाँ पे अब्रॉड है तो गरीब नहीं होते, यहाँ भी गरीब होते हैं और इस तरीके से अपनी लाइफ चलाते हैं। सुबह ये लोग आ जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, अब श्योर नहीं होते कि इनका सामान बिकता है या नहीं बिकता है, डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ है इन लोगों की। देख सकते हैं आप लोग सारा ही सामान इन लोगों ने इस तरीके से लगाया हुआ है, कुछ ऐसा ही लाल किले में भी सीन देखने को मिलता है। देन हम पहुंच गए हैं टुर्गुस के मेन गेट पे, यहाँ ये इसका एंट्री गेट है। और हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, लेट इन द सेंस ये 12 बजे बंद हो जाती है मार्केट, और हमें लेट ही हो गया था तो यहाँ पर क्लोज करने लगे थे लोग तो। और यहाँ पे इस मार्केट की सबसे ज़्यादा खास बात ये है कि यहाँ पे कैश ही चलता है, यहाँ पर आप कैश लाएंगे तभी आप यहाँ पर कुछ खरीद पाएंगे सामान वगैरह। यहाँ पर हर एक का पर्टिकुलर एक सेक्शन बना हुआ है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल का एक अलग से सेक्शन है और ये ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है, और हर तरीके के ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। रेट आप देख सकते हैं, सबके रेट वहाँ पर मेंशन है, 15 यूरो, 10 यूरो, हर किसी के हर उस पर मेंशन है रेट। काफी ज्यादा वैरायटी में ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड हियर इट इज बेकरी सेक्शन, यहाँ पे ये बेकरी है, ये लोग खुद ही बेकरी बनाते हैं, पीछे इनका मशीन वगैरह सेटअप पूरा बना हुआ है, ताज़ा ताज़ा ये लोग सेल करते हैं। तो काफ़ी फ्रेश चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, काफ़ी वैरायटी में मिल जाती हैं, और ये देख सकते हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सॉरी वेजिटेबल्स हैं, और ये काफ़ी फ्रेश वेजिटेबल्स यहाँ पर मिलती हैं। हम एक्चुअली वेजिटेबल लेने ही यहाँ पर आए थे, मतलब बहुत वैरायटी में ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल मिल जाती हैं यहाँ पर, तो काफ़ी सुंदर लग रही है, देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये रहा शूज़ का सेक्शन, और काफ़ी ज़्यादा शूज़ यहाँ पर लगे हुए हैं, ये रहे कर्टेन, काफ़ी सुंदर सुंदर कर्टेन है, कुशन कवर, पिल्लो कवर, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ये रहा स्लीपर शूज़ वगैरह का सेक्शन, ये रहा जैकेट्स का सेक्शन, काफ़ी अच्छी अच्छी जैकेट्स लग रही थी देखने में, काफ़ी सुंदर। और इधर ये पर्स वगैरह हैं, और सारी चीज़ें सारी ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर सी चीज़ें आपको अफोर्डेबल रेट पर मिल जाएंगी। और ये रही कुर्तियाँ, लेडीज़ कुर्ती हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ये भी, और मैंने एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम यहीं पर देखी है कुर्ती। और ये आ गए हम फिर से जैकेट के सेक्शन में, ये यहाँ पे लेडीज़ पर्स वगैरह रखे हैं, और ये है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सेक्शन, और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिलते हैं। और ये है जेंट्स बैग्स वगैरह रखी हुई हैं, और ये ऑफिशियल बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, वैरायटी ऑफ बैग्स हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे, और ये स्नो पैंट्स वगैरह हैं, बच्चों के जैकेट्स हैं, वैरायटी ऑफ स्नो पैंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे जैकेट्स वगैरह थे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरायटी में यहाँ पर मिल जाती हैं सारी ही चीज़ें। और ये लेडीज़ लोअर हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर से लोअर थे। और देन हम यहाँ पे आ गए हैं बूट्स के सेक्शन में, ये बूट्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बूट्स थे यहाँ पे। और ये है अपना फेवरेट फ्लावर का सेक्शन, यहाँ बहुत सारे बुकेज रखे बुके रखे हुए थे,
फ्लावर्स रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फूल थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फूलों को देखकर ही एक रिफ्रेशमेंट सी आ जाती है अपने अंदर में। गरीब लोग ही तो होते हैं ना, तो वही होंगे, ऐसा नहीं है मेरी शादी है, गरीब लोगों की है, गरीब भी होते हैं, अपना पेट पालते हैं, कुछ बेच के पालते हैं, कुछ इसी को यूज़ किया हुआ सामान खरीदते हैं। टुर्गुस के पास ही में एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर था, तो वहाँ से निकलने के बाद हम सीधे वहाँ पे चले गए थे इंडियन स्टोर पे। मूवी का पोस्टर भी लगा हुआ है अंकल जी की शॉप के बाहर, यह रही अंकल जी की शॉप बग्गास करके पोस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। हमने तो ये फिल्म अभी देखी नहीं है, सुना है अच्छी है, ठीक ठाक है, कभी हम भी जाकर देखेंगे। अभी इसे पोस्टर भी लगा है यहाँ पे, पहले ब्रह्मास्त्र लगी थी। फ्रेंड्स मैं अभी आई हुई हूँ अंकल जी की दुकान में, यहाँ पे ये कोई इंडियंस हैं, अभी मैं आपसे मिलवाती हूँ इनसे। और ये इनकी शॉप है, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन सामान, जो स्पाइसेस हैं, जो भी आपको चाहिए, बिस्किट्स वगैरह आप देख सकते हैं, और ये मसाले हैं, वैरायटी तो मसाले के मिल जाएंगे, दालें हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो भी आपको चाहिए। अगर आप लिथुआनिया आ रहे हैं या फिर आप पहले से ही विल्नियस में रहते तो यहाँ पे ज़रूर आइए, ये बहुत अच्छी शॉप है, सारा सामान आपको इजीली अवेलेबल यहाँ पर हो जाएगा, कहीं भी इधर उधर भागने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये देखिए जूस भी है यहाँ पर, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए मैं आपको एक बार अंकल जी से भी मिलाती हूँ। ये हमारे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, ये काफी काफी अच्छा नेचर है इनका, बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, और बहुत पहले से यहाँ पर ये रह रहे हैं, काफी टाइम हो गया, दस साल हो गया इनको यहाँ पे। और हम यहाँ पर जब नए नए आए हुए थे, हमको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इन्होंने हमें काफी सपोर्ट किया, काफी हेल्पफुल नेचर है इनका, बहुत अच्छा नेचर है। कोई भी इनसे मिलेगा तो मतलब ये नहीं लगेगा कि अनजान है, बहुत ही अच्छा इनका दिल छू लेने वाला नेचर है। और इनकी शॉप है, काफी कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, चाहेंगे हमारे फैमिली से। गॉड ब्लेस यू ऑल, माय बेस्ट विशेस आर विद यू फॉर एवरीबॉडी। परमात्मा भगवान आपको हमेशा सुखी रखे, आपको हमेशा तरक्कियां बख्शे, जगदीश जी को भी, आपको भी, बच्चों को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। बाकी शॉप का एड्रेस और वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, आने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप बेशक आ सकते हैं, यहाँ पर सारा कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। देन हम आ गए थे रिमी सुपर स्टोर में, हमें यहाँ पे कुछ कुछ घर की शॉपिंग करनी थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं हूँ वीडियो के एंडिंग पर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो, और प्यारे प्यारे कॉमेंट छोड़कर जाइए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वेरी गुड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।